हे एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद द न्यू व्लॉग। सो अभी सुबह का 5:30 हो रहा है और मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हुआ हूँ पार्क में। रनिंग नहीं करने आया मैं आज, तुम्हारा भाई करेगा योगा। ठीक है, खैर मुझे आता नहीं योगा करना इतना अच्छी तरह, मेरा फ्रेंड कराएगा। ये प्रोफेशनलिस्ट है पूरा, इसको बोलते हैं ना नेशनल प्लेयर। तो ये कराएगा आज मुझे योगा। तो भाई हंसना मत मेरे पे, ठीक है? अगर मेरे कोई पोस्चर पुस्तर गलत तौर कहेंगे तो भाई प्लीज़ मत हंसना। और मैं कैमरा फिट कर देता हूँ, सॉरी मैं ट्रैपर स्टैंड लाया तो यार व्यू इतना अच्छा तो नहीं आ पाएगा। मैं अटैर कहीं पे ऐसे लगा दूँगा कैमरा ऐसे अटका के ना। तो मिलते हैं फिर योगा के बाद। सो जस्ट अभी योगा करके हटे, अब घर जा रहे हैं वापस। और आज यार मेरी वजह से यार योगा ढंग से कर भी नहीं पाया क्योंकि मेरे को आता नहीं और मेरे से हो भी नहीं पा रहा था। बट ये जितना हो सका मैंने ट्राई किया। अभी आया था बस घर और मेरा आज का प्लान है सकेतड़ी जाने का। इधर ही है, सुखना लेक के पास ही है ये। और शाम को जाना था दोस्तों के साथ बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है नहीं जा पाएंगे। आसार बारिश के लग रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। मौसम बड़ा ख़राब हो रखा है यार बाहर। एक तो मानसून चल रहा है यार, कुछ नहीं पता होता, कभी भी धूप आ जाती है कभी भी बारिश। देखो बादल बादल हो रखे हर जगह, देखते हैं क्या बनता है यार अब। तो आपने देख ही लिया कि मौसम ख़राब हो रखा है बहुत। होप सो यार ठीक ही रहे मौसम, बारिश ना हो, क्योंकि यार फिर सारा प्लान चौपट हो जाएगा उस दिन की तरह। उस दिन तो चलो बंद था रॉक गार्डन बट कुछ कह नहीं सकते। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट करके रिकॉर्डिंग भी करनी है यार, गाना करना। मैंने गाना नहीं किया दो दिन हो गए, दो तीन, आज तीसरा दिन है। क्योंकि मेरा होता है यार कि मेरे को, मतलब मेरा एक माइंड सेट है कि मेरे को 3 दिन के अंदर गाना डालना ही होता है। न्यू स्टार्टिंग है यार तो वॉच आवर बढ़ाना है मुझे, सो इसलिए मैं 3 दिन के अंदर वीडियो डाल देता हूँ। हाँ कई बार लेट हो जाता है मेरा गाना, शायद इस ब्लॉग के बाद, इस ब्लॉग से पहले ही आ जाएगा मेरा गाना। आज मैं पोस्ट कर दूंगा। आज कितनी तारीख है? आज कितनी है? आज एक मिनट, हाँ आज 4 अगस्त है। आज शायद मैं गाना पोस्ट कर दूँ, उसके बाद ही आएगा ये ब्लॉग, है ना। तो गाना हो चुका है रिकॉर्ड और मुझे लग गए 2 घंटे। 2 घंटे इसलिए लगे क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत थी पीछे, सो इसलिए मुझे टाइम लग गया। एंड जो मेरा सॉन्ग है वो मैं शाम को पब्लिक कर दूंगा। मैंने अभी अपलोड करने बैठना है बट प्राइवेट करूंगा अभी तो, और शाम को मैं पब्लिक कर दूंगा सॉन्ग अपना। एंड एक और गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ ये है कि धूप आ चुकी है और अब हम जाएंगे सकेतड़ी शाम को। हमारा प्लान बन चुका है, मैंने अभी दोस्तों को फ़ोन किया था कि भाई क्या सीन करना है अब। तो कह रहे हैं शाम को चलेंगे, धूप आ गया, मौजा मारेंगे। बाकी आपसे अब मैं बात करता हूँ शाम को सीधा जब निकलूंगा यहाँ से घर से सकेतड़ी के लिए, है ना। मिलते हैं शाम को। गुड इवनिंग गाइस, आई एम रेडी एंड आई एम गोइंग टू ऋषभ हाउस।
बिकॉज उसकी गाड़ी में जाना है हमने, इधर ही पास में रहता हूँ मेरे, तो बस उधर ही जा रहा हूँ मैं। सो हे चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। तो हम सारे इकट्ठे हो गए और अब हम सीधा से केचड़ी जा रहे हैं, और जाते जाते सारे व्यू दिखाऊंगा, कसम से कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत कैंट व्यू है। गाइज हम बहुत नज़दीक है, अब हम बस पहुंचने वाले हैं यहाँ पर। जैसे पहुंचेंगे आपको अंदर पूरा व्यू दिखाऊंगा मंदिर का, सकेतड़ी का, और ये गली है जो सकेतड़ी की तरफ जाती है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ थोड़े खड्डे बहुत है और पतली सी गली निकलती है आगे सकेतड़ी के लिए, मंदिर के लिए, और बस चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं। चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चले यार। चलो भाई, ये हम एंटर कर गए हैं अंदर। बदल गया है काफ़ी, मैं 3-4 साल बाद आ रहा हूँ ना, बहुत बदल गया भाई कसम से। अंदर चल, अंदर खड़ा है गाड़ी। अच्छा, पार्किंग इधर लिखी हुई है। तो गाइस वी हैव रीच्ड हियर, और बड़े दिनों बाद ऐसे दर्शन भी करूंगा यार। लॉकडाउन के बाद तो मैं मंदिर गया ही नहीं यार, नहीं सीरियसली। वैसे मैं इतना धार्मिक हूँ नहीं, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। तो ऊपर चढ़ रहे बस हम मंदिर की तरफ। ये देखो, ये छपरी नीबस है यहाँ पे, ये दो। इनको लगा किसी और को कह रहा। कोई जूता घर इधर नहीं है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर ये बहुत अच्छा है, हैंड सैनिटाइजर देख सकते हैं, ऑटोमेटिक है, जैसे नीचे हाथ जाएंगे साफ हो जाते हैं, ये देख। गलती से इधर लेके आया हूँ, सॉरी, मेरे से गलती हो गई है। कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, ऐसे ऊपर लिया। सो ऋषभ कुछ कहना चाहता था ये मंदिर के बारे में, जो मैं बता रहा हूँ ना, तो मतलब ये कुछ कहना चाहता है मंदिर के बारे में, तो भाई अब बोल रहे। ये हमारे घर से अराउंड 15-20 किलोमीटर दूर है, और ये पंचकूला या पंजाब के एरिया में पड़ता है। इसके हमारे अराउंड कह लो 2-3 किलोमीटर बाद ही हमारा मनसा देवी भी है। ओ भाई, ये ना फैमिली व्लॉग टाइप है, सारे देखते हैं, ठीक है ना, बीच में ना बोल लग रहा। ये आएगा भाई, अब तो आएगा ये। ओ भाई, मैं बोतल भी बहुत आ रखा हूँ। और तूने कुछ कहना था? नहीं नहीं, मैंने बोल दिया जो बोल रहा है। अखियां
भाई ढंग से भी बंद करना होता है इसे, ठीक है। हाँ, सो गाइस हम वापस आ रहे हैं अब घर, एंड आज का ब्लॉग यहीं तक था हमारा। और हमेशा की तरह आपको पता है मैं एंडिंग हमेशा घर जाके करता हूँ ब्लॉग की, तो अब सीधा घर मिलता हूँ आपको, वहीं जाके बातें करेंगे बाकी की, है ना। तो मिलते हैं घर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और जिन्होंने यहाँ तक देख लिया है दिल से थैंक यू यार। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को प्लीज़ यार। और हाँ, इसके बाद मैंने ब्लूपर्स डाले हुए, प्लीज़ देख लेना, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। एंड बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, गुड नाइट। तो वही तुम्हें पता ही है यार, एंडिंग नहीं करने देंगे भाई मुझे। तो भाई अब मत करिए यार, अब चुप रहे। तो भाई ऐसी बात है कि कैसी है यार, भाई मुझे कह रहा कुछ बोलना तो नहीं अब हमने, और क्या ये भी जाएगा ब्लॉग में।